हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं खमन ढोकला। तो फ्रेंड्स, खमन ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन का आटा, एक नींबू इनो लिया है हमने, दो हरी मिर्च ली है पीसी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हम आटा ले लेंगे। अब हमें इसमें नींबू डालना है। नींबू का रस डालना है हमें इसमें। अब हमें मिक्स कर लेना है। नींबू हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो पेस्ट बना रहे हैं हम, उसमें कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा मिक्सर थोड़ा थोड़ा बन गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। फिर से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, हमें ये मिक्सर ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो थोड़ा पानी और डालेंगे। बस हमें इसे बहुत मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें सोडा ऐड कर देंगे। आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनो लिया है। अब हमें सबसे लास्ट में नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख लेंगे ढक के। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है। देखिए, हम देख सकते हैं हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। ढोकला बनाने के लिए छोटी पतीली ली है। इसमें तेल लगाएंगे। तेल लगा लिया है। अब जो हमारा मिक्सर है इसमें ऐड करना है। तो हमने मिक्सर तपेली में ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ढोकले बनाने के लिए नमक लिया है। नमक गरम किया है हमने। आप चाहे तो पानी भी गरम कर सकते हैं, पानी में भी पका सकते हैं। ये रख देते हैं अंदर। इस पे हम पतीला रख देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से ढक देंगे।
इस तरह से ढकना है हमें ताकि हवा बाहर नहीं निकले। ऐसे ढक के हमें 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्कू में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब पक चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे तो हम इसे इस तरह करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमें उल्टा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छी तरह से निकला है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है ये। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, थोड़े से तेल ऐड करेंगे। थोड़ी देर गरम करना है, जीरा ऐड करेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। अब हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी तैयार है, अब हम इसे उतार लेंगे। अब हमें इस चाशनी को इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा खमन ढोकला। दिखाती हूँ मैं आपको, फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।